बातमीचे प्रायोजक आहे हॉटेल आयना, खास फॅमिली सोबत जेवणाची सोय हॉटेल आयना, किडवाय चौक सोलापूर। मालेगाव येथील एमआयएम पार्टीचे नेते माजी महापौर अब्दुल मलिक युनुस इसा यांच्यावर झालेल्या गोळीबार घटनेचा निषेध करत हल्लेखोरांवर कायदेशीर कारवाई करावी अशी मागणी सोलापूर एमआयएमच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की जानिब से हम सबसे पहले इस महाराष्ट्र की हुकूमत का, गृह मंत्रालय का और प्रशासन का निषेध व्यक्त करते हैं कि जब से ये मनुवादी सरकार महाराष्ट्र में प्रस्तापित हुई है, इन्होंने मनुवाद के पुरस्कार करने वाली ये सरकार है। आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र को, पूरे गामी महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में, टीपू सुल्तान के मानने वाले महाराष्ट्र में, आज पूरा बिहार बन चुका है। आज जगह जगह पर बलात्कार जैसी घटनाएं और आर्म की जैसी घटनाएं और जानलेवा हमलाएं और लोक प्रतिनिधि पर ये चीज़ें हो रही है, फिर सामान्य नागरिक जान को मुठ में लेकर इस शहर में घूम रहा है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं कि कुरान की बेहुरमती करने जैसे वाकियात, साइबर के क्राइम बढ़ गए हैं। साइबर क्राइम के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से महामानव के, महापुरुषों के और प्रेषित मोहम्मद साहब के अपमानास्पद बड़े बड़े लेख जो है, वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम पूरे तरीके से फेल्यूर नजर आ रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से हुकूमत की बात मनवाने पर तुला है, हमें ऐसा कहना है। और आज मालेगांव के अंदर एक एक्स मेयर के ऊपर फायरिंग होती है, आज इतना वक्त बीत चुका है, पुलिस क्या कर रही है? आज आरोपी पूरे तरीके से सुसाट कहाँ घूम रहे कुछ पता नहीं है। एक आरोपी का नाम सामने आया है, बाकी के आरोपी फरार हैं। और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर पुणे का जो वाकया, बेदर्द जो एक्सीडेंट का वाकियात हुआ, पब दारू, ऐसे मामला पूरे महाराष्ट्र में हो रहे हैं। तो हम कहना चाहते हैं किस मुंह से हम इस महाराष्ट्र को पूरे गामी कहे, किस मुंह से इस महाराष्ट्र को हम तरक्की और तालीमी याफ्ता मुल्क कहे। लिहाजा आज हमने जिलाधिकारी कार्यालय और माननीय जिलाधिकारी कार्य के द्वारा हमने माननीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और वहाँ के नासिक मालेगांव के एसपी को हमने ये आवेदन उनके द्वारा पेश किया और उन आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर आर्म एक्ट और 307 जैसे मामला उन पर दर्ज होकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हुआ, इसे हम पार्टी की जानिब से मांग करते हैं। आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पक्षाच्या वतीने मालेगांव येथील माजी महापौर अब्दुल साहेब यांच्यावर जे गोळीबार झाला, त्याच्या विरोधात जे गोळीबार केला त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी, तसेच सोशल मीडियाच्या मार्फत एक समीर नावाच्या व्यक्तीने जे व्हिडिओ व्हायरल करत आहेत, मुस्लिम धर्माचा जो कुरान हा धर्मग्रंथ आहे त्याच्यावर अपमानास्पद व्हिडिओ जे व्हायरल होत आहेत ते तात्काळ बंद व्हावेत आणि अशा व्यक्तींवर कठोरातली कठोर कारवाई आपल्या सोलापूर जिल्ह्याचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी साहेब, गृह मंत्रालय तसेच पोलीस महासंचालक या सर्वांना या आमच्या पक्षाच्या वतीने, सोलापुरातील कार्यकर्त्यांच्या वतीने आज निवेदन देण्यात आले आणि त्या निवेदनाची अंमलबजावणी व्हावी अशी आमची सर्वांची मागणी आहे। सोलापूरच्या हॉटेल क्षेत्रात नावाजलेलं एकमेव नाव हॉटेल आईना। चिकन बिर्याणी, चिकन अंगारा, चिकन हंडी, आईना स्पेशल चिकन, स्पेशल चिकन तंदूरी, चिकन 65, चिकन हैदराबादी यांसारखे चिकनचे भरपूर डिश उपलब्ध। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। फॅमिली साठी खास चिकन बिर्याणी पॅक मिळेल, पार्सलची सुविधा, खास फॅमिली सोबत बसून जेवणाची सोय फक्त हॉटेल आईना मध्ये। सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेलं प्रसिद्ध हॉटेल हॉटेल आईना, टेस्ट साठी एकदा अवश्य भेट द्या। आमचा पत्ता किडवाई चौक सोलापूर, ऑर्डर व बुकिंग साठी संपर्क मुस्ताक शेख 99 75 46 67 20 आणि 79 72 05 50 22।